हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टर जी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारी ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letstudio.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। हेलो, आई एम रिया खेतानी एंड वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो अभी तक हमने रीडिंग के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में सुना, सोचा, कहा, समझा, लेकिन उन सबका बेस क्या होता है? आप क्या पढ़ोगे? जो लिखा होगा वो पढ़ोगे। और कम्युनिकेशन भी आप रीडिंग से इम्प्रूव कर सकते हो। तो इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, राइटिंग स्किल्स। तो आज मैं आपको 8 वेज बताऊंगी जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। थिंक बिफोर यू राइट। लिखने से पहले आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हो। उसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्लॉट क्या होगा, मिस्ट्री क्या होगी, सस्पेंस क्या होगा, एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर का रिलेशन क्या होगा। बहुत सारे लोग इफेक्टिव राइटिंग इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह ऐसा सोचते हैं कि हम शुरू तो कर देते हैं, सामने दिखेंगे कि क्या होने वाला है, उससे आप माइनर डिटेल्स छोड़ देते हो। और मैं ऐसा नहीं सोच रही कि आपको पूरी के पूरी स्टोरी आपको बतानी है, लेकिन आप ऐसा एक माइंड मैप कर दीजिए। जैसे अगर आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें कौन से कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कैसे रिलेटेड है, वो उसे कब मिलता है, कहाँ मिलता है, उनके फीलिंग्स एक दूसरे के तरफ कैसी है, लव है, हेट है, एग्नी है, जेलिसी है, उसे क्लियर रखिए। बिकॉज ऐसा होता है कि समझो मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए, मैं लास्ट वाले लूँगी, जेकब और जोसेफ, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, पहले आपने बता दिया। नेक्स्ट कुछ होता है, कुछ ट्विस्ट आता है कि जेकब जोसेफ से बहुत जलता है लेकिन जोसेफ अच्छा है। उसके बाद आपने बता दिया कि जेकब ने जोफे से लड़ाई कर दी, तो ये कुछ बैठ नहीं रहा है। तो इसीलिए आपको पहले से थोड़े थोड़े हिंट देने होंगे, जैसे जेकब जोसेफ से जलता क्यों है, और वो जलता है तो क्या करता है, उसको कौन सा पॉइंट ट्रिगर करता है। आपको पहले से हिंट्स लेने होंगे और फिर जब वो लास्ट में सस्पेंस में आएगा तब आपको पूरे हिंट्स मिला कर स्टोरी बतानी है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो। प्रिसाइज एंड कंसाइज। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल या अननेसेसरी चीज़ें उसमें नहीं डालनी है। जितना शॉर्ट हो सके, जितना टू द पॉइंट हो सके उतना ट्राई करें। स्टार्टिंग में आप शॉर्ट स्टोरी लिखोगे, पहले नॉवल तो नहीं लिखने जाओगे, तो पहले बी कंसाइज बी प्रिसाइज। जो बोलना है वो बोले, डायरेक्ट बोले, बड़े वर्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोलना चाहते हो बोलो, छोड़ दो। और आपको ये भी बता देना चाहिए कि किस चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताना है, किन चीज़ों को बस टच करके छोड़ देना है। दिस विल कम इन थिंक एंड राइट। थिंक करो फिर उसे कंसाइज और प्रिसाइज लिखो। और इसमें ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट होगा कि जब आप लिखते हो तो आपका ग्रामर, स्पेशली टेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट। आपका टेंस हमेशा करेक्ट होना चाहिए। फिर पंक्चुएशंस, ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग, सब कुछ अच्छे से चेक करना है। यूज सिंपल वर्ड्स। फर्स्ट का ही, इसके पहले वाले पॉइंट का एक्सटेंशन, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े वर्ड्स, ट्रैंक्विलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने। सिंपल वर्ड्स जो आपको समझे और जो आपके सामने वाले को समझे। एक ट्रिक कि कोई भी वर्ड अगर आप पढ़ते हो और उसका फट से आपको मतलब पता चल जाता है, वो वर्ड यूज़ कीजिए। कोई वर्ड आप जिसका आप श्योर नहीं हो या गूगल में जाके ढूंढ रहे हो, वो वर्ड ना यूज़ करिए, उसे अवॉइड करें। और एक और टिप कि आप लंबे सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज ना करें, उससे आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और आपका रीडर भी कंफ्यूज हो जाएगा। यूज शॉर्ट, स्वीट एंड टू द पॉइंट। रिमूव फिलर्स।
और जब हमने कॉन्वर्जेशन के बारे में बात की थी तब मैंने कहा था यूजफुल, तो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों? बिकॉज जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने के लिए कि हमें क्या बोलना है, तो फिलर्स के टाइम तक हम लोग वो सोच सकते हैं, लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं है। राइटिंग में आपके पास बहुत टाइम है, तो आप उसमें फिलर्स ना यूज़ करें, जैसे वेल, लाइक, बिकॉज उससे आप एक एमेच्योर दिखोगे। कभी आपने देखा है कि ऑब्वियसली कॉन्वर्जेशंस के टाइम पे हम लोग लाइक वेल यूज़ कर सकते हैं, जो कॉन्वर्जेशन जो डायलॉग नॉवेल्स में बताते हैं, लेकिन नॉवेल के टेक्स्ट में वेल, लाइक वो सब नहीं होता। सो रिमूव फिलर्स, यूज कॉन्ट्रैक्शंस। अब जो प्रोफेशनल राइटर्स है वो शायद आपको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस मत यूज़ करो। ऐसा क्यों? और मैं क्यों बोल रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करो? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शंस यानी दो वर्ड को कंबाइन करके एक वर्ड बनाना, यू आर योर, डज नॉट डजंट, डू नॉट डोंट। तो ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज मत करो? बिकॉज ऑब्वियसली वो इनफॉर्मल है। और मैं क्यों बोल रही हूँ कि करना चाहिए? क्योंकि जब आप एक लिखते हो या फिर कुछ चीज लिखते हो तो आपको अपने रीडर से कनेक्ट करना है, थोड़ा पर्सनलाइज होना चाहिए। नाउ यू टेल मी, डू नॉट डू दैट, डोंट डू दैट, कौन सा बेटर लग रहा है? डोंट, राइट? तो इसीलिए वर्ड कॉन्ट्रैक्शंस यूज करें, जहाँ नेसेसरी हो वाह करें, जहाँ नहीं हो वह ना करें। सिंपल। गिव अ पर्सनल टच। जब आप कुछ लिखते हो तो उसमें आपको आपके राइट रीडर के साथ एक कनेक्शन बनाना है, तो इसीलिए यूज पर्सनल टचेस। जैसे आप ऐसी कुछ चीज़ें यूज करते हो कर सकते हो जो आप यूजुअली बोलते हो, जैसे मैं बोलती हूँ द मोर यू नो, तो मैं मेरी राइटिंग में लिख दूंगी कुछ बता के द मोर यू नो, जिससे उनको लगेगा कि वो एक्चुअली मुझसे बात कर रहे हैं, वो ये स्टोरी मेरे मुँह से सुन रहे हैं। दैट वुड गिव देम अ पर्सनल टच। या फिर आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता सकते हो, बहुत रिलेटेबल। लुक, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, आपके लाइफ में जो हो रहा है ऑब्वियसली नॉट सेम, लेकिन बहुत सिमिलर मेरी लाइफ में भी हो रहा है, तो आपकी लाइफ के एग्जाम्पल्स या आपको जो सही लगता है वो मेरे से रिलेट हो सकते हैं। तो ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। रीड एंड प्रूफ रीड। जब आप कुछ लिखते हो तो लिखते लिखते हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स, कॉमा, पंक्चुएशन। तो लिखते लिखते आप उसका ध्यान मत दो, आप पूरा लिख लो, फिर आप उसको रीड करो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपने क्या लिखा है। फिर आपको प्रूफ रीड करो। प्रूफ रीड यानी आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, वो सही है या नहीं, उसका टेंस सही है या नहीं, उसका स्पेलिंग सही है या नहीं, सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। पुट योरसेल्फ इन द रीडर शू। अब आपने सोच लिया कि आपको क्या लिखना है, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने रीड कर लिया, आपने प्रूफ रीड कर लिया, इसके बाद क्या करना है? आपने जो भी किया है सब भूल जाओ, सब कुछ, कुछ भी प्री कंसीव नोशन हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। अब सब कुछ भूल जाओ और फिर उस टेक्स्ट को पढ़ो जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे वो टेक्स्ट आपने नहीं किसी और ने लिखा है। थिंक कि आप एक रीडर हो, जिससे आपको एक्चुअल ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेंगे अपने आप से कि आपको कैसा लग रहा है, आपने जो बोला है वो पूरी तरीके से मुझे समझा है या नहीं। जैसे मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे उसका बैक स्टोरी पता है तो मुझे वो समझ में आ जाएगा, लेकिन शायद वही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको उसकी बैक स्टोरी पता नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं जो बोल रही हूँ उसको ऐसे बोलूँगी कि मैं वो पहली बार सुन रही हूँ, उसके पीछे क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, जिससे आप अपने राइटर से कनेक्ट कर सकते हो और उसे पूरी की पूरी छोटी से छोटी डिटेल्स उनको दे सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर चेक करना ना भूलें। थैंक यू।